नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नजर सबसे पहले एजेंडे पर। कांग्रेस का सुषमा पर वार, सोनिया ने कहा ड्रामेबाज तो राहुल ने पूछा मदद के बदले मिले कितने पैसे। स्मृति ईरानी का पलटवार, बोली चुनी गई नेता को ड्रामेबाज कहना जनमत का अपमान। बिहार के सियासी संग्राम में पोस्टर पर सुशासन बनाम विकास, लेकिन जातीय समीकरणों पर पार्टियां दे रही हैं ज्यादा ध्यान। बड़ा सवाल, मुद्दों पर होगा चुनाव या फिर समीकरणों का फिर दिखेगा प्रभाव। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बन चुके और पहल जुड़ चुके हैं। और सबसे पहला एजेंडा जो है वो है जिस तरीके से संसद पर रार लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि एक बार फिर से हमला बोला गया है सुषमा की सफाई पर, और क्या कुछ सोनिया गांधी ने कहा, क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको अपने मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरकेश बहादुर जी, वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र कुलशेष जी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं विशी भाई मतंग, नेशनल प्रेसिडेंट बीएमपी के। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं एस के दत्ता साहब, आर्थिक जो है एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक रूप के भी बड़े जानकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको जो सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से। सुषमा जी थिएट्रिक्स करने में माहिर है। सुषमा जी थिएट्रिक्स करने में माहिर है। सुषमा जी थिएट्रिक्स करने में माहिर है। सुषमा जी ने कल बहुत अच्छा भाषण किया, विपक्ष बाहर बैठी है, बहुत एलोक्वेंट भाषण किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या सोनिया जी भी यही करती। सिर्फ दो सवाल उठते हैं। पहली बात, सोनिया जी ये नहीं करती, मगर दो सवाल क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं। जब भी चोरी होती है चोर छुप के आते हैं। सुषमा जी ने जो काम किया है छुप के किया है। मिनिस्ट्री में एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि सुषमा जी ये काम करने जा रही थी। दूसरा, जब भी चोरी होती है फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है, पैसा कहीं से कहीं जाता है। सुषमा जी के परिवार को, पति को और उनकी बेटी को ललित मोदी जी ने पैसा दिया है। वो देश को बता दें कितना पैसा उनको मिला है, ललित मोदी जी ने उनके परिवार को कितना पैसा दिया है ये भी बता दें। चलिए, कितने पैसे दिए गए इस बात का भी जिक्र हो गया और लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं। इस बीच सुषमा स्वराज के बचाव में उतरी स्मृति ईरानी, क्या कुछ कहा गया सरकार की तरफ से स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद की तरफ से, वो भी सुनिए। देश की संसद में जब कोई भी सांसद वक्तव्य देता है तो वो देश की जनता का भरोसा प्राप्त करके, समर्थन प्राप्त करके उस सदन तक पहुंचता है। उस स्टेटमेंट को थिएट्रिक्स कहना अपने आप में जनता के मैंडेट का अपमान है। क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र, देश का सदन एक थिएटर का मंच है? ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर, समाधानों पर चर्चा होती है। इसकी गरिमा को घटाने का काम कांग्रेस पार्टी और विशेषतः राहुल गांधी ना करें। मैं मात्र इतना कहना चाहती हूं कि इस लोकतंत्र में भारी बहुमत से देश की जनता ने आर्थिक प्रगति के लिए, विकास के लिए वोट दिया। एक साल से ज्यादा के इस अंतराल में आर्थिक क्रांति की दृष्टि से एनडीए की सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक शांति की दृष्टि से नागा पीस अकॉर्ड अपने आप में इतिहास रच चुका है। वो लोग जो चाहते हैं कि देश में डिबेट के और डिस्कशन के माध्यम से प्रगति ना हो और ये प्रोसेस डीरेल हो, देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तरह की घटिया बातें राहुल गांधी कर रहे हैं तो वो भारत की राजनीति को कहां ले जा रहे हैं? राहुल गांधी जो इस तरह की हल्की बातें करते हैं, तो राहुल गांधी जिस खानदान के कारण उस स्थान पर हैं, उस खानदान की भी एक विरासत है जो जवाहरलाल नेहरू से शुरू होती है, उनको ये शोभा देता है इस तरह के बेबुनियाद झूठे आरोप लगाना? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। कल सुषमा जी ने स्पष्ट कर दिया
और उन्होंने तो पूछा है सोनिया गांधी जी आप क्या करती हैं अगर कोई महिला कैंसर से पीड़ित है वो आग्रह कर रही है। इसलिए राजनीति में विरोध होता है राहुल गांधी जी, कुछ राजनीति का स्तर रखिए, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। जनता ने आपको इतना कस के हराया, आप जहां जहां गए वहां कांग्रेस पार्टी आ रही है, फिर भी अगर आप नहीं समझेंगे तो शायद कांग्रेस का भविष्य। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इसके तहत साहब आपके साथ शुरुआत करते हैं। लगातार हमले तीखे होते जा रहे हैं, सफाई आती है, सफाई के बाद अब इस ये बातें भी उठने लगी कि कितने पैसे दिए गए पति को, कितने पैसे दिए गए बेटी को, बचाव में सरकार भी है, तमाम तरीके की बातें कही गई हैं। सारे बयान हम स्मृति ईरानी के हम आपको सुना नहीं पाए, लेकिन दत्ता साहब कैसे देख रहे हैं, गतिरोध थमेगा कैसे और जिस तरीके से हमले और तीखे होते जा रहे हैं, आपको लगता है स्थितियाँ और खराब होने वाली हैं आने वाले दिनों में? विपुल, सबसे पहले राहुल जी के बयान से मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, बेबुनियाद बेतर्क बयान, किसी आधार के बिना, और किसी पे आरोप लगा देना कि किकबैक्स लिया है, पैसा खाया है, उसकी अगर कोई प्रामाणिक आधार हो तब तो समझ में आता है। आप एक बहुत ही बड़ा आपका विरासत रहा है और एक बहुत बड़ा नेता हैं आप देश के, आपसे कम से कम इस तरह के बातें अपेक्षित नहीं हैं और शोभा नहीं देता है। और जब आप किकबैक्स की बात करते हैं या फिर आप पैसा खाने की जब आप बात करते हैं, तो ज़रा आप अपने मम्मी से पूछिए ना, कोतरोची को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से देश से भगाने में कितना मदद उस दौरान की सरकार ने की थी और कितना किकबैक्स आपके खानदान को मिला था उसके चलते, ये ज़रा खुलासा कर दे, उसके बाद बाकी लोगों के ऊपर आरोप लगाए। खुद के ऊपर और खुद के पार्टी के ऊपर जब इतने सारे भ्रष्टाचार का आरोप है और इतने सारे चीज़ों पे एकदम मैल है सारे चीज़ें, जब आपका खुद का घर इतना काला है तो दूसरों पे पत्थर फेंक के कोई फायदा नहीं होता है। बेटर यही है कि 2014 का जो मैंडेट है उस मैंडेट को सम्मान कीजिए। एक विचार, प्रगतिशील विचारधारा वाले पार्टी के हिसाब से आप काम कीजिएगा। जनता की जो मुद्दे हैं, मुद्दों को संसद में उठाइए। जहां जहां सरकार की तरफ से चूक होती है या फिर सरकार जिन सब मुद्दों पे ध्यान नहीं देती है, अगर भटक जाती है उन सब मुद्दों से ध्यान, उन सब मुद्दों को जोर शोर से संसद के अंदर, संसद के बाहर उठाइएगा। वो एक उचित तरीका होता है विपक्ष के लिए एक सही दिशा में काम करना, ना कि इस तरह का बेबुनियाद बातें करके जनता का भी समय आप बर्बाद करते हैं, मीडिया का भी समय आप बर्बाद करते हैं, संसद का भी समय आप बर्बाद करते हैं। आप अगर वहां पे केवल बर्बाद करने के लिए आप अगर बैठे हुए तो शायद वो स्थान आपके लिए नहीं है। चलिए, इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है, तमाम खास मेहमान अभी बचे हुए हैं, उनकी भी राय लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तमाम खास मेहमान बने हुए और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ने सुषमा स्वराज पर सीधा सीधा हमला बोला है और कहा है कितने पैसे मिले उनको, साथ ही साथ सोनिया गांधी ने कहा है कि सुषमा स्वराज ड्रामेबाज है। पुष्पेंद्र जी, ये जो तूतू मैमे चल रही है लगातार दिन ब दिन, जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ रहा है, काम तो बाधित हो ही रहा है लेकिन स्तर भी गिरता जा रहा है भाषा का, आप कैसे देख रहे हैं आज जो बयानबाजी? देखिए, भाषा का स्तर कब गिरता है, जब आदमी के पास तर्क नहीं होते। आदमी चिल्लाता जब है जब उसके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है और वो जो कहना चाहता है उसको लोग सुनते नहीं, और जो सुनाना चाहता है उसकी वजह से चिल्लाना पड़ता है, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, खासतौर से राहुल गांधी, वो जिस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। जिस अंदाज में वो झूठ बोलते हैं, जिस अंदाज में वो चीज़ों को कह रहे हैं, अभी उनका जो बयान आप मुझे सुना रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से चोरी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि
कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता और सोनिया गांधी के पति, देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वो यहां से अमेरिका गए और उनके पारिवारिक मित्र यूनुस सलीम का बेटा आदिल शहरयार, जिसको अमेरिकी अदालत ने ड्रग्स स्मगलिंग में जेल की आजीवन कारावास दिया था और उस परिवार से इंदिरा गांधी के बड़े नजदीकी संबंध थे, कौन से ऐसे कारण थे, कौन से ऐसे मंत्रालय थे, कौन से ऐसी अदालत थी जिसके चलते प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपने प्रधानमंत्री के प्लेन में यहां से अमेरिका गए, रोनाल्ड रीगन से उन्होंने क्षमा याचना की और रोनाल्ड रीगन, क्योंकि उस देश का कानून है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे आदमी को माफ कर सकता है, उस पर उन्होंने साइन कराए और उस स्मगलर आदिल शहरयार को अपने साथ बिठा के लेके आए। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री का पद जो था उसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंची थी? कौन से ऐसे कारण थे आपके पारिवारिक मित्र के कि आदिल शहरयार जैसे स्मगलर को आप अपने प्लेन में बैठा के लेके आए? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसी पद पे थे, भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी जिसकी गैस ट्रेजेडी में काफी सारे लोग मारे गए, उसको रोक लिया गया था, लोकल लोगों ने घेराव कर लिया था, कौन सा ऐसा समझौता वो करके आए थे कि जैक एंडरसन को, उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, उनको एक फोन गया और कहा कि आप इनका भोपाल से निकलने का इंतजाम कराएं और उस आदमी को दिल्ली लाया गया और एक विशेष प्लेन से बाहर भेज दिया गया। इस देश में लोगों की याददाश्त कमजोर है, राहुल गांधी को मुझे नहीं पता क्या है, मैं इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि सुषमा स्वराज पे लगाए हुए आरोप गलत हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के अंदर सारे कुकर्मों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने वो किया है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो बात इस तरह पूछ रहे हैं जैसे कोई आज नई बात हो रही है। हरिकेश जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ आप कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति है? पहले से ही ये इस आरोप को लेकर के पहले ही तय कर लिया गया था कि सत्र चलने नहीं देंगे, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे आक्रामक होती जा रही है कांग्रेस। आज कहा गया कितने पैसे लिए गए, ये बताओ कैसे देख रहे हैं स्थिति को आप? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि रणनीति कांग्रेस की क्या है, इसके लिए तो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को आपको बुलाना चाहिए था, वो आपको बताते जी। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है और विपक्ष और सत्ता दोनों की तरफ से जिस तरह की खींचतान हो रही है उसमें अब इससे एक तरह से जो लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था है और उसके प्रति जो लोगों को के मन में एक आस्था और विश्वास है उसको काफ़ी चोट पहुंच रही है। एक बात जो पहले स्पीकर रह चुके हैं सोमनाथ चटर्जी जी, उन्होंने एक बात कही थी इस मामले में जो ललित मोदी वाली बात आप लोग कर रहे हैं, एक बात उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति कानूनी परिणामों से बचने के लिए देश से निकल गया हो, ऐसे व्यक्ति की अगर मदद कोई कैबिनेट मिनिस्टर करता है किसी भी तरह से तो वो कानूनी तरीके से भी और नैतिक तरीके से भी उचित नहीं दिखाई देता। यह एक सवाल है जिसका कि समुचित उत्तर आना चाहिए और इस बात से हट करके आना चाहिए कि कौन पार्टी विरोध कर रही है या कौन पार्टी समर्थन कर रही है, क्योंकि देखिए इस देश के लोकतंत्र में ऐसे भी समय में ऐसा भी देखा गया है, ऐसे भी लोग रहे हैं कि छोटे से छोटे आरोप पर लोग इस्तीफा दे देते थे। तो ये एक पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि परंपरा कैसे बना रहे हैं। हाँ, ये जो चीजें परंपराएं जो बनी थी उनको ध्वस्त करके कुछ नई चीज आप अगर कायम करना चाहते हैं तो उससे कुछ बेहतर अगर आप कायम करिए तब तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा खराब आप कायम करेंगे तो लोगों के मन में एक असंतोष होगा और केवल इतना ही नहीं होगा, एक तरह से पूरा देश इस प्रकार के तर्कों में उलझ करके और वो विभाजित होगा और या तो इस पक्ष के साथ होगा या उस पक्ष के साथ होगा। तो सवाल है कि जो लोकतंत्र में जो लोग चुने जाते हैं उनको आदर्श की एक स्थापना करनी चाहिए और उस दृष्टि से हमारे देश के नेताओं ने ऐसा किया है, बहुत सारे लोगों का ऐसा उदाहरण है, लाल बहादुर शास्त्री जी तो एक छोटे से रेल एक्सीडेंट पर इस्तीफा दे दिए थे, ऐसे भी उदाहरण है।
इन सब चीजों का भी ध्यान रख करके लोगों को निर्णय करना चाहिए। मतंग जी आपसे जानना चाहूंगा कि हालांकि जो अगला मुद्दा उस पर हम विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे बिहार का मुद्दा, लेकिन अभी जो कुछ संसद में चल रहा है और पूरा मानसून सेशन हमने देखा कि लगातार हंगामे 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 की भीड़ चढ़ता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को? ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, ये जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है ये कोई नया नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी संसद चलने नहीं देती थी, कोयला घोटाला हो या फिर कॉमनवेल्थ हो, बहुत सारे मुद्दे आज कांग्रेस चलने नहीं देती। तो इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम है, जबकि दोनों की पॉलिसी सेम है। 91 में प्राइवेटाइजेशन जब नरसिंह राव ने शुरू किया विदेशी कंपनियों को बुलाकर, तो आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर में घूम घूम कर विदेशी कंपनियों बुला रहे हैं। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण शुरू किया अंग्रेजों के बाद, भूमि अधिग्रहण में अमेंडमेंट किया, मोदी सख्ती से अमल कर रहा है। कांग्रेस ने FDI शुरू किया, मोदी दोगुना गति से अमल कर रहा है। कांग्रेस ने एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन कर दिया, 2007 में UGC का चेयरमैन सुखदेव थोरात को बनाया और UGC ग्रांट कमीशन के चेयरमैन ने कहा अभी यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं दी जाएगी, वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो एजुकेशन को महंगा कर दिया, मोदी ने भी वही काम किया। नया इसमें कुछ नहीं है, पॉलिसी मैटर में एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। अब इस मुद्दे में विरोध हो तो रहा है, कितना विरोध तो हो रहा है, पॉलिसी रिलेटेड मैटर, भ्रष्टाचार के मुद्दे में तो दोनों एक ही, दोनों सेम है, इसमें कोई नई बात नहीं है, जो वो कर रहे थे यही। अब इन मुद्दे में कांग्रेस खुद ही मोदी जी को भूमि अधिग्रहण के तहत बचाना चाहती है, मोदी जी को व्यापम घोटाले से बचाना चाहती है। सुशील मोदी का मुद्दा उठा दिया, इसमें केवल सुषमा स्वराज को टारगेट बनाते हैं, ललित मोदी जी वसुंधराज के बेटा दुष्यंत का पार्टनर है, उस मुद्दे पर तो बात ही नहीं है। स्मृति ईरानी को बचाना चाहते हैं फर्जी डिग्री में, बचाना चाहते हैं वसुंधरा राज को, बचाना चाहते हैं महाराष्ट्र के पंकजा मुंडे को, बचाना चाहते हैं केवल एक मिनट, मुझे इस बात का ताजुब है कि 25 लोगों को सस्पेंड किया, 44 निलंबित किया, 44 लोगों ने पार्लियामेंट 13 दिन में बंद रखा, लेकिन SC ST OBC के विरोध में नीतियां बनती है, 131 SC ST OBC के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्यों? कि दोनों पार्टियां उनको बोलने तक की इजाजत नहीं देती, बाउंडेड लेवल बना के रखा है। उस मुद्दे पर तो कोई नहीं बोल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दूसरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के दूसरे मुद्दे की, मुद्दा बिहार चुनाव, जहां पर हर दल दो जो कि बड़े गठबंधन हैं, एक गठबंधन जिसे महागठबंधन का नाम दिया जा रहा है, जिसमें JDU RJD तमाम पार्टियां कांग्रेस एक साथ आने की तैयारी कर रही हैं, एक गठबंधन जो कि NDA का गठबंधन है। ये दोनों ही दल सुशासन की, विकास की और भविष्य, बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उस पर अगर नज़र डालेंगे तो ऐसा लगता है कि राजनीति उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में लंबे समय से चलती आ रही है। जातीय समीकरणों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, किस तरीके से किस जाति के लोगों को शामिल किया जाए, जीतन राम मांझी को शामिल किया जाता है, इसके अलावा पप्पू यादव वोट बैंक के लिए लाए जाते हैं NDA में, उधर भी कुछ इस तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं, साबिर अली को शामिल किया जाता है। क्या वाकई में कुछ बदला नहीं है बिहार में और सिर्फ विकास का एक चेहरा लाया गया है और जातीय समीकरणों पर ही चुनाव लड़ा रहा है, इसी पर बातचीत करते हैं। शुरुआत पुष्पेंद्र जी आपके साथ करते हैं, क्या बिहार की राजनीति में, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ विकास को लेकर के, सुशासन को लेकर के? ये बड़ी बड़ी हेडलाइन तो बनती है, लेकिन जब आप नजदीकी से जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगता है उसी तर्ज पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। देखिए,
इसको अगर हम इसको बिहार तक अगर सीमित कर दें तो मुझे लगता है ये बिहार के साथ नाइंसाफी है। इस देश में राजनीति की जड़ें जो हैं वो जाति पे बड़ी आधारित हैं, धर्म पे आधारित हैं। और कोई चुनाव आप ले लीजिए, पिछले 67 साल के अंदर कोई चुनाव मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी आदमी को इसलिए जीत गया हो वो कि वो ईमानदार था, उसकी जाति के बारे में लोगों को नहीं पता था, या वो बड़ा विकास का उसने एजेंडा कोई चलाया। हमारे देश में ये कुछ थोड़ी देर के लिए लगता है क्योंकि नियो जो हमारे यहाँ लिबरल पॉलिसीज आई हैं तो उसमें एक वर्ग तैयार हुआ है जिस वर्ग की जाति जो है पैसा है, क्लास है उसकी, वो जाति है। तो वो उनको तो बड़ा अच्छा लगता है ये कहते हुए कि नहीं हम जाति से ऊपर उठ गए हैं, आ गए हैं, सब कुछ है। और हो सकता है वो जो पिछले दरवाजे से राज्यसभा में लोगों के घुसने का जो चैनल होता है उसमें घुस जाते हैं, लेकिन लोकसभा के किसी चुनाव में आप पंचायत लेवल के में भी चले जाएं, जाति का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसकी जाति क्या है, उसकी जाति के कितने लोग हैं, कितने वो वोट दिला सकता है, कितने वो वोट नहीं दिला सकता है। लिहाजा बिहार की राजनीति में हम जब इस बात को बात ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके देश के जो 31 में से 30 सूबे हैं वहां जाति की बात ही नहीं होती है। तो जाति की राजनीति गहराई तक है, सच्चाई है, उसे कुछ लोग जरूर इलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि उस पर एक बड़ा आपको रुख लेना होता है, तो बड़ा मुलम्मा चढ़ाने के लिए आप कभी विकास की बात करते हैं, सभी गरीबी हटाओ की बात करते हैं। सन 71 में इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा था, गरीबी तो हटी नहीं, गरीब उससे 10 गुने हो गए। और आज मनरेगा लाना पड़ा कि उन भूखे नंगों के लिए खाने के लिए आपको सरकार 2 रुपए किलो का चावल और 1 रुपए किलो का गेहूं दे रही है। तो मैं ये मानता हूं कि बिहार के अंदर भी आप ये देखें कि जो गठबंधन हो रहे हैं वो इसलिए नहीं हो रहे कि किसी गठबंधन का बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिहार के अंदर की स्थिति यह है कि यहां से 100 साल पहले जो लोग यहां से बाहर गए थे वो उन देशों के प्रधानमंत्री बन गए। जो लोग आप चले जाए, खबर आएगी कि 20 लोग पंजाब में आतंकवाद में मारे गए तो पता चला वहां 22 मजदूर के वहां थे। आपको पता चला जम्मू कश्मीर में कोई घटना कर रही है तो वहां पे बिहार के लोग थे। तो बिहार के लोग जो इतने मेहनती और इतने परिश्रमक वाले लोग होते हैं, क्या वजह है कि उनके अपने ही सूबे के अंदर राजनीति इस लेवल पे है कि 25 साल से कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर है 1990 के बाद से, और तमाम सामाजिक परिवर्तन के नाम पे कर्पूरी ठाकुर भी वहां आए, जेपी का मूवमेंट भी हुआ, लालू भी 15 साल तक रहे और वर्तमान सीएम भी पिछले 10 साल से हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं बदली है। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने जातिगत आंकड़ों को मजबूत करने के लिए दलित में महादलित बनाया, पिछड़ों में महापिछड़ा बनाया, और अब जब राजनीति करने जा रहे हैं और वो लगातार अपने पोस्टर पे, ऐलान में, सब जगह कह रहे हैं गुड गवर्नेंस, लेकिन उस गुड गवर्नेंस की मजबूरी देखिए कि जिस आदमी के खिलाफ 10 साल तक लड़े, जिसने जाति की राजनीति की, आज उसी की लालटेन लेके सड़क वो पूछ रहे हैं कि आपके घर में लाइट है कि नहीं लाइट है। तो मैं ये मानता हूं कि 14% यादव, 3% कुर्मी, 16.5% मुसलमान, 18% दलित, इन सब को एक भेड़ बकरियों के अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कितने इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते हैं ये अलग बात है, लेकिन वहां कोई ये पूछने वाला नहीं है कि साहब ये यादव के नेता हैं, उन्होंने मान लिया यादव के नेता हैं, और क्योंकि तथाकथित उन्होंने अपने बारे में ये बता रखा है कि हम सेकुलर हैं तो मुसलमान हमारी जेब में ही है। तो ये जो लड़ाई है जातियों की, इसको आप बदल नहीं सकते। चलिए मदंग साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी शायद इस बार हिस्सा भी लेने जा रही है शायद चुनाव में। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछड़े वर्ग को लेकर के खासतौर से बिहार में काफी ज्यादा राजनीति रही है, दलित, फिर महादलित, पिछड़ा, महापिछड़ा, ये तमाम कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं इस बार भी, चाहे वो हम बात करें नीतीश कुमार की या फिर एनडीए की बात करें, दोनों जगहों पर ये कार्ड खेले जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप बिहार की स्थिति को, बिहार के चुनाव? जहां तक केवल बिहार की बात करते हैं तो ये जातीय राजनीति बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन 100% कृषि लोग नहीं करते। भारत जाति प्रधान देश है, 100% जातियां भारत में रहती है। अब ये जो राजनीति का जातिकरण, जातियों की राजनीति हो गई है, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। क्यों? कि बायपोलर सिस्टम शुरू हो गया, 3% ब्राह्मणों ने भारत में 5 राष्ट्रीय दल बनाए हैं, कांग्रेस। लेकिन इसी आप कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई, उसी डेमोक्रेसी से चुन करके वो बात, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री, वही बात, पार्ट पार्सल कैसे बने हुए वही बता रहा हूं मैं। कांग्रेस गोखले, तिलक, गांधी जी, अगरकर, नेहरू, बीजेपी आरएसएस का ही प्रोडक्ट है,
आर एस एस हेडगेवार गोलवणकर बाला साहब देवरथ सुदर्शन भागवत श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक कम्युनिस्ट में एम एन रॉय डांगे चटर्जी बनर्जी मुखर्जी तृणमूल में ममता बनर्जी जयललिता जी 3% ब्राह्मणों ने भारत में राजपूतों की भी पार्टी बनने नहीं दी राष्ट्रीय स्तर की बनियों की भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने नहीं दी जो एससी एसटी ओबीसी के जो नेता है जी। वो प्रादेशिक नेता है जी। और वो या तो यूपीए का पार्ट पार्सल है या बीजेपी का पार्ट पार्सल है नहीं बिहार के बिहार की राजनीति में आ रहा हूं थोड़ा समय 2010 में जी बीजेपी को नीतीश जी ने मजबूत किया था गठबंधन था नीतीश जी ने बीजेपी को मजबूत किया लालू जी और पासवान जी इकड़ा आए थे नीतीश जी ने पासवानों के विरोध में महादलित का कार्ड खेला था और यादव के विरोध में अति पिछड़े वर्ग का कार्ड खेला था जो काम 2010 में नीतीश जी कर रहे थे जी। वो वर्तमान में काम मांझी जी कर रहे हैं पासवान जी कर रहे हैं पप्पू यादव जी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं ये कोई नया काम नहीं कर रहे और लालू जी 15-20 साल कांग्रेस को मजबूत किया तो पार्ट पार्सल बने हुए है लालू जी ने जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति बंद की वहां से उनका पतन शुरू हुआ हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति बिहार में करने जा रहे हैं और क्यों कि जो हजारों साल से अधिकार वंचित है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आप वहां उनको फ्रंट में आना पड़ेगा चलिए ठीक है आप फ्रंट में आइए चलिए ठीक है दत्ता साहब आपसे जानना चाहेंगे जैसा कि अभी मतंग साहब कह रहे थे कि वहां पर पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है और तमाम ऊंची जाति के लोगों ने ही जो है वर्चस्व फैलाया है लेकिन अगर हम उदाहरण देखें तो उत्तर प्रदेश में मायावती जीतन राम मांझी जैसे लोग भी एक बड़ा वोट बैंक है और इनके लेकर के बड़ी राजनीति भी होती आई है ये क्या जो जाति की राजनीति है ये कैसे इससे बाहर निकलेंगे किस तरीके से ये चीजें सुधरेंगी सबसे पहले तो थोड़ा सा बिहार के परिपक्ष में ही इस बात को लेके जाता हूँ हाँ, बिहार के परिपक्ष में ही बात होनी है जी हाँ और उसी परिपक्ष में जवाब देने की कोशिश करूँगा ये बेशक एक सच्चाई है कि भारत में जात पात और मजहब ना हो तो भारत की राजनीति होती नहीं है जात पात और मजहब के बिना हिंदुस्तान का राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि चल भी नहीं सकता है और ना कभी चल पाएगा डेवलपमेंट और विकास और सुशासन ये सारी चीज़ें जो हैं ये हकीकत में एक कॉस्मेटिक वो है स्लोगन्स हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टीज और हर पॉलिटिकल नेता करते हैं पर हकीकत में जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो ये सारी चीज़ें पीछे चला जाता है और जातिगत आधार और क्षेत्र और आपके मजहबी आधार सक्रिय हो जाता है और इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ बिहार की जहाँ बात आती है बिहार पे और यूपी में खास करके अगर देखा जाए इन दोनों प्रदेशों का राजनीति शायद जात के बिना हो ही नहीं सकता है और जात के आधार पे ही है कितना भी हम लोग इसको कितना भी कोसे और कितना भी इसको दुर्भाग्यपूर्ण कितना भी ना माने पर हकीकत वही है और जातिगत आधार पे ही चीजें होता है भारतीय जनता पार्टी ने हकीकत में जेडीयू को अगर ऐतिहासिक वे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू और समता पार्टी को मजबूत किया है आपको याद होगा जब कांग्रेस का जब पतन हुआ और उसके बाद रथ यात्रा के बाद सबसे नंबर वन स्थान पे और सबसे बड़ा पार्टी होके अगर उभर के आई थी बिहार के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी थी और दूसरे पोजीशन पे समता पार्टी थी जेडीयू उस समय कहीं पर भी थी भी नहीं बाद में जेडीयू का उत्पत्ति हुआ और समता पार्टी के साथ मिलय हुआ तब भी माइनर पार्टनर ही थी एनडीए के पूरे जो अम्ब्रेला जो एक ऑर्गेनाइजेशन था एनडीए का उस पे और ये कहीं ना कहीं पे अगर जेडीयू को मजबूत करने की अगर बात आती है तो बेसिकली भाजपा के शॉर्ट साइटेडनेस के चलते जेडीयू बिहार में बाद में जाके मेजर पार्टनर के हिसाब से उभर के आई है जबकि शुरुआत में जेडीयू कहीं पर भी नहीं थी समता पार्टी छोटे पार्टनर थी भाजपा मुख्य विपक्ष था वहां पे तो इस चीज को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं दूसरी बात यहाँ पे ये है दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जहाँ जातिगत आधार की जहाँ बात आती है हर नेता जानता है हर पॉलिटिकल पार्टी जानता है कि बिहार में अगर चुनाव अगर जीतना है तो जाति के आधार पे ही होगा जिसका समीकरण ज्यादा मजबूत होगा जातिगत आधार पे वो ही शायद आगे जाके सत्ता में आएगा सत्ता में इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जल्द लौट रहे हैं ब्रेक के बाद एक और खास मेहमान जुड़ेंगे हरकेश जी से भी पूछेंगे बिहार की राजनीति पर उनकी राय क्या है बने रहिए हमारे साथ
घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, जो हम आज जो मुद्दा इस पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या बिहार की राजनीति में जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको लगता है मुद्दे पीछे हो रहे हैं, जातीय समीकरणों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और जो पार्टी जो गठबंधन वही जीतेगा जो जिसका जातीय समीकरण ज्यादा बेहतर होगा, तो तमाम जो मुद्दे हैं वो पीछे रहेंगे क्या इस बार? ये जरा सरलीकरण होगा और बिहार के लोगों के साथ अन्याय भी होगा, क्योंकि बिहार के लोगों के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है। इस देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है कि बाकी जो देश है उसमें तो लोग बिल्कुल जाति से उठ के, संप्रदाय से उठ के, केवल देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एकदम उसके प्रति निष्ठा रखते हुए मतदान करते हैं, और बिहार के लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे मुद्दों को छोड़ के केवल जाति के आधार पर मतदान करते हैं। ये बिल्कुल बड़े ये धारणा दो चुनावों में तो ये आंशिक रूप से सही था, मतलब पूरी तरह उसमें भी नहीं सही था। कोई एक जाति किसी एक ही दल को संपूर्ण रूप से वोट दे ये कभी नहीं होता है। यादव जाति में भी लालू प्रसाद यादव जी को खासकर 1995 और 2000 में उनके प्रति भारी संख्या में जरूर रुझान था, लेकिन यादवों में भी आप देखेंगे तो 25-30% वोट ऐसे थे जो दूसरे क्षेत्र में गए थे। तो ये कहना कि केवल बिहार, देखिए बिहार का इस बार चुनाव जो है उसमें मुद्दे प्रबल है, जाति इस देश में एक स्वाभाविक है तो वो उसका असर तो होगा, लेकिन बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों ने जातीय सीमाओं को तोड़ करके मतदान किया था, जाति के आधार पर मतदान पिछला लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था। इस बार बहुत कुछ कोशिशें जरूर हो रही हैं जातीय समीकरण बनाने की, और दोनों ओर से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग अलग जातियों के सम्मेलन बुलाए हैं, उसने भी इधर लालू जी और नीतीश जी के भी हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बिहार की जनता जातियों से, मुझे लगता है कि से कम मेजोरिटी जनता जाति से ऊपर उठ के मतदान देगी। बिहार के मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं इस बार, नेतृत्व भी है, विकास भी है, साथ ही साथ वहां की कानून व्यवस्था है, केंद्र सरकार का काम है, 10 वर्ष के नीतीश का वहां काम है, लालू यादव का पिछला कुशासन है, ये सब चीजें बिहार के सामने मुद्दे हैं। चलिए हरकेश जी से सवाल लूं, लेकिन उससे पहले शायद मतंग जी कुछ आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे अवधेश जी को। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने विकास का मुद्दा उठाया था, अब मजबूरी यह आ गई कि अमित शाह को कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ओबीसी का पहला हमने दिया, विकास का मुद्दा गायब हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में विकास के नाम पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। मैं आंकड़े बता देना चाहता हूं कि पिछले बजट में शेड्यूल कास्ट के लिए 41,561 करोड़ का बजट था, मोदी जी ने 30,851 करोड़ कर दिया, 10,710 करोड़ माइनस कर दिया। शेड्यूल कास्ट का बजट 24,598 था पिछले। शेड्यूल कास्ट का क्या बजट? नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सुनिए ना, शेड्यूल आपकी बात सुना ना हमने, आप सुनिए ना, आप ऐसे कैसे बात, आप सुनेंगे नहीं तो मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, आप बात सुने तो आपका आपके जवाब दो ना, क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए और पिछली जाति के लिए? आपका जवाब, मेरे पास बजट की कॉपी है ना। नहीं नहीं तो आपके पास है तो सबके पास है। हाँ तो आप सुनिए ना बड़े भाई, मेरी बात ऐसा है, सुनिए ऐसा बजट आप सुनना नहीं चाहते, किस खाते में है, सुनना नहीं चाहते आप, जवाब तो दीजिए ना। आप बता रहे ना, बता रहे आदिवासी का 4,618 करोड़ माइनस कर दिया और ओबीसी के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया, किस चीज में कर दिया? आपको जानकारी नहीं, गलत आप मूल्यांकन कर रहे हो, बजट का प्रावधान नहीं किया, किसी में कम कर दिया। आप बिल्कुल हम ये कह रहे हैं अगर विकास की बात होती तो मोदी जी को ओबीसी का चेहरा उठाना चाहिए। बजट में बजट ऐसे बनता ही नहीं जैसे जातीय समीकरण के लिए, अरे इकोनॉमी का कोई जानकारी, जातीय बनता ही नहीं, जातीय समीकरण के लिए मोदी को ओबीसी का चेहरा बताया जाता है, जातीय समीकरण के लिए मोदी जी को ओबीसी का चेहरा बताया जाता है, लेकिन बात सुन तो लीजिए भाई, जातीय समीकरण के लिए मेरी बात सुन, एक सेकंड के लिए, जातीय समीकरण के मोदी जी को ओबीसी बताया जाता है, सुन ले भाई, हम आपकी बात का विरोध करिए ना, जितना काम है हम ये कह रहे हैं,
ओबीसी के कौन से क्रिमिनल कोई सवाल नहीं उठा रहा। मेरा कहने का मतलब लोकसभा में बीजेपी विकास का मुद्दा कर रही थी, जाति पर आ गई ना। नीतीश कुमार और लालू जो है किस विकास की वजह से साथ आए, ये बताइए। चलिए मोदी जी का सवाल संक्षेप में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूँ और बजट का आकलन मैं हर साल करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो बेबुनियाद गलत बात कह रहे हैं आप, और मैं इस पे नहीं, सुन लीजिएगा पहले आप, प्लीज इस पे सुन लीजिए पहले आप। इस चीज को मैं बाकायदा ऑन रिकॉर्ड चैलेंज देके बोल रहा हूँ ये बात। बजट का अनुदान कभी भी जातिगत आधार पे नहीं होता है। एससी एसटी कमीशन के लिए, ओबीसी कमीशन के लिए, ट्राइबल कमीशन के लिए एक अलग तरह का, अलग तरह का, एक सेकेंड, अलग तरह का अनुदान किया जाता है। वो अनुदान अलग होता है, सारे मंत्रालयों का जो अनुदान होता है उस अनुदान में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग तरह का प्रावधान होता है। तमाम जाति क्षेत्र के हिसाब से, तमाम जाति के हिसाब से अनुदान होता है। तो ये कह देना कि एससी के लिए अनुदान कम कर दिया गया है, ये बेबुनियाद आरोप है। हम कह रहे हैं विकास का मुद्दा था, जाति पर कैसे आ गया? ठीक है, वो आपका अपना पॉइंट है। ये युद्ध खत्म, पहले वाक युद्ध खत्म, उसमें कुछ रिलेवेंट बातें हैं जिसको कि होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, समय भी नहीं है। मुद्दे देखिए हमेशा हर चुनाव में उठते हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि जाति की स्थिति तो पूरे देश में बनी हुई है। मुद्दे बहुत से हैं, विकास के मुद्दे हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है, बहुत सारी चीजें हैं। बेरोजगारी दूर करने की बात है, अपराध समाप्त करने की बात है, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात, ये सारी चीजें हैं। ये सब चीजें हर स्टेट के चुनाव में उठती हैं, बिहार के भी चुनाव में उठेंगी। लेकिन यह भी सच है कि नेता जो हमारे देश के हैं, समाज में एक तो कहते हैं कि जातिवाद बहुत बुरी चीज है, लेकिन वोट पाने के लिए लोगों ने समाज को जातियों के आधार पर इस प्रकार विभाजित किया है और इस प्रकार की दुर्भावना भी फैलाई है। अंग्रेजों से पहले ही है जाति व्यवस्था, वो ठीक है जातियों का विभाजन, लेकिन सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन इसको नहीं हुआ ना जातियों का विभाजन। यह भी सही है कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो पूरे देश को यह समझाया जा रहा था कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसके आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए। हम देशवासी एक हैं, हमको मिल करके चलना चाहिए। लेकिन सवाल इसके साथ खड़े हुए क्योंकि भारत के अंदर जातिगत व्यवस्थाएं थी और उसे सामाजिक पिछड़ापन भी था और भी चीजें थी, तो नेताओं ने उसको इसलिए कि सामाजिक पिछड़ापन दूर हो, जो लोग पिछड़े हैं वो आगे आए, उसके लिए कुछ चीजें उन्होंने बनाई। लेकिन वो चीजें जो उन्होंने बनाई वो आज लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज कर दे रहे हैं, उसको पूरी तरह से स्थापित कर दे रहे हैं, और इसीलिए समाज विभाजित होकर के जो अंत में आकर के जो वोट के समय में उसी आधार पर वोट देता है और उस पर कोई जीतता है कोई हारता है, ये सच्चाई है। जिन लोगों ने जातियां बनाई वही यहाँ जाति के आंकड़े छुपाने का काम कर रहे हैं। अवधेश जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, दत्ता साहब आपका, मसंग जी आपका, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जीएनटीवी के साथ। नमस्कार।